ये जो सेंसस है या हमारा कोई सर्वे करते हैं तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस पॉलिसी बनाना आपने बताया, लेकिन पॉलिसी से ऊपर एक और बात भी है कि आप नेशन उस पॉलिसी से बनाएंगे या नेशन को उन पॉलिसी से उजाड़ेंगे। दी प्राइमरी फंक्शन इज कि आपका नेशनहुड की तरफ इशू है। ये कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसमें जो फंडामेंटल इशू है वो वेदर ये इट विल मेक ए स्ट्रॉन्गर नेशन और इट विल मेक ए वीकर नेशन। इन माई व्यू इट विल मेक ए वेरी वीक नेशन, एंड इफ यू नो हिस्ट्री प्रॉपरली देन यू विल फाइंड कि हिस्ट्री जो इंडिया की बताती है वो एक चीज बताती है कि इंडिया हैज नेवर बीन यूनाइटेड, वी हैव ऑलवेज फ्रेगमेंटेड अवर सोसाइटी। सर वैलेंटाइन चरोल ने एक अपनी किताब लिखी जो बहुत विद्वान थे और उन्होंने इंडिया को बड़ा डिस्पैशनेटली स्टडी किया मेरे हिसाब से। वो कहते हैं कि इंडिया में नेशनहुड डेवलप ही नहीं हुआ, और डेवलप कैसे हो सकता था कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम था, और कास्ट सिस्टम ऐसा है जो एंटीथीसिस है नेशनहुड के अगेंस्ट। तो आप वो हमारी जो फाउंडेशन है उसको की तरफ हमें देखना चाहिए, और आज का जो माहौल है उसमें देखना चाहिए कि ये जो कास्ट बेसिस के लिए लोग बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं किसे के अच्छा डाटा कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे वोट बैंक कैसे बढ़ेंगे, ये इसलिए नहीं बोल रहे कि भारत के इकोनॉमी हम ठीक करेंगे या भारत का सोशल स्ट्रक्चर हम और साइंटिफिक बेसिस पे इवॉल्व करेंगे, ये बना रहे हैं कि हमारे वोट कैसा वोट बैंक कैसा बनाएंगे। अब जब से ये मंडल कमीशन हुआ है आप देखिए सोसाइटी भी फ्रेगमेंट हुई है, सोशल स्ट्रक्चर भी फ्रेगमेंट हुआ है, और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है वो भी फ्रेगमेंट हुआ है। हर जगह कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, हर जगह टूटे टूटे और गवर्नेंस रही नहीं है। आज अगर आप ये अखबार पढ़ें तो क्या आपको नजर आता है? कश्मीर में आग लगी हुई है, नक्सल जो है वो आपकी पुलिस के आदमियों को ऐसे अटैक कर रहे हैं जैसे कोई भारतीय कंट्री में से आके कोई आदमी आपके ऊपर हमला करता है। आप कोई देखें तो कॉमनवेल्थ की तरफ से ऐसे हो रहा है जैसे बहुत ही करप्ट है इंडिया, हर कोई अपनी पावर बेस बनाने के लिए लगा हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज छोड़ देना, और राकेश साहब ने जो शुरू में कहा कि सुपर पावर बनने का दूसरे बनाने का उसमें जो हमारा मुद्दा है उसका उसकी दूसरी तरफ क्या बात है, हम इस तरीके से सुपर पावर बन जाएंगे, इतने प्रॉब्लम इकट्ठे की है सबॉर्शन के, टेररिज्म के, इकोनॉमिक डिप्राइवेशन के, इससे सुपर पावर बन सकते हैं। जब भी आप किसी को बताएं कि ये आपकी तो कमी है तो कहेगा देखिए मेरा 8% 10% ग्रोथ हो रही है, 8% 10%, एक ही मंत्र है सिर्फ एक ही जवाब है, लेकिन ये नहीं को बताते कि 8% 10% ग्रोथ हुई है लेकिन आज भी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीब है दुनिया से, सबसे ज्यादा जो अनपढ़ हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा अपाहिज हिंदुस्तान में है, सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हिंदुस्तान में है एक दूसरे से लड़े झगड़े के। और ये ठीक है कि आप पता लगा मैं 10 साल से पंप में रह रहा हूँ, 5 साल से रह रहा हूँ, ये सवाल ही क्यों पैदा हो? मैं जहां मर्जी मैं इंडियन हूँ, मैं भारत मैं महाराष्ट्रीय नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ, मैं बिहारी नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ। तो आपको आइडेंटिटी चाहिए भाई इंडियन है ये रह रहा है तो ठीक है रह रहा है, उसकी कोई कंपल्शन होगी रह रहा है, वही छोट भी बॉर्डर की कहाँ से आया क्या नहीं आया बांग्लादेश की तो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा है कि आप कास्ट के बेसिस को ही उड़ा देना चाहिए, कास्ट का नाम ही ना होने ही चाहना चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना हमारे यहाँ। और जहाँ गरीबी का तल्लक है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन का तल्लक है आप इकोनॉमिक बेस पे सबको डिसाइड करिए, और जितना भी आपका स्टेटिस्टिकल नॉलेज है स्टेटिस्टिकल एक्सपीरियंस है उसको उस चीज को इकोनॉमिक क्राइटेरिया को एक अच्छा साइंटिफिक तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश करें। जब जो भी गरीब होगा ब्राह्मण गरीब होगा उसको भी फायदा होगा, सबसे ज्यादा दलित गरीब उससे फायदा होगा, तो आपको एक बेसिस मिलेगा। आप क्या है कास्ट के बेसिस पे करेंगे तो जो 12 लाख बना रहा है वो भी उसी कैटेगरी में आता है, जो 12 रुपए बना रहा है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। कास्ट का तो टोटली अनसाइंटिफिक, दुनिया में कोई मुझे मुल्क बताइए जिसमें कास्ट के बेसिस पे फैसला होता है, और हमारी हिस्ट्री बताती है कि हमने कास्ट से ही सारी चीजें अपने आप की उजाड़ी हैं। और जिन्होंने हिंदुइज्म को स्टडी किया है, अगर आप ठीक ढंग से स्टडी किया है तो मैं कहता हूं कास्ट वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म जो है उसके खिलाफ है। आप जो
कास्ट को फॉलो करता है वो हिंदू ही नहीं है मेरे हिसाब से। आप मेरी किताब लेटेस्ट पढ़िए, रिफॉर्म ऑफ रिफॉर्मिंग वैष्णो देवी एंड रिफॉर्मिंग हिंदुइज्म एंड हाउ टू क्रिएट एनलाइटेंड अवेकन एंड रिफॉर्म हिंदुइज्म, तो उसमें मैंने हिंदुइज्म का बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर है वी आर ऑल डिवाइन्स, वी आर स्पार्क्स ऑफ डिवाइन, वी हैव डिराइव्ड आवर पर्सनैलिटी फ्रॉम डिविनिटी, वी आर ऑल डिविनिटीज। And if that spark of divinity is everybody, and we are father, children of the same spark, higher spark, then how are we different from each other? Okay, Hinduism ko, is chapter mein ye hai, ke Hinduism ko kaise hi uski soul aur structure ko kaise hi barbaad kiya gaya through, by selfish interpretation, by interpolation, by so many wrong things which I have explained in this book in a big way. But अबाउट कास्ट देयर इज अ स्मॉल सेक्शन इन इट के हिंदुइज्म में कास्ट से कैसे नुकसान हुआ और असली पोजीशन क्या है हिंदुइज्म में कास्ट की। ये मैंने इसमें बहुत से लोगों को कोट किया है, एक पुराना है शब्द है कि वही चीज जो मैंने आपको बताई है, इफ वी आर पार्ट स्पार्क ऑफ द डिविनिटी एज स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से, देन वी आर रियली ऑल इक्वल। Whether I am Shudra, whether I am Khatri, whether I am Brahman, whether I am Baniya, whatever it is, we are coming from the same source and we are interconnected in the cosmic web. How do you so? And then, Sri Aurobindo, our unfortunately is that our internet has been a great man, but no one has read any book or any things. And when I read this book, Sri Aurobindo, everyone was amazed that this is how it is, where is it? उनका एक ऐसे है उसमें हेडिंग ही ऐसा है, अन हिंदू स्पिरिट ऑफ कास्ट रिजिडिटी, अन हिंदू स्पिरिट ऑफ कास्ट रिजिडिटी। सो व्हाट ही सेज इज कि ये कहां से आया, आप किस पुराना से, किस उपनिषद से, किस वेदक से ये लाए हैं, और ये हेरिडिटी फैक्टर कहां से आ गया।